तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने एनटीपीसी प्लांट के लिए विस्थापित किए गए गरीब बंजारों के मकानों का अवलोकन किया, लेकिन इस दौरान निर्माण में बेहद खराब गुणवत्ता पाई गई, जिससे विधायक नाराज हो गए और नगर निगम आयुक्त से इसे लेकर बात की और उन्हें फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द इसे ठीक करने को कहा। साथ ही निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो विधायक रामेश्वर शर्मा नाराजगी उन्होंने जताई जब उन्होंने एनटीपीसी प्लांट के विस्थापितों के घर देखे तो वहां पर गुणवत्ता बेहद खराब नजर आई, जिसके चलते उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और इस मौके पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी की है, आदेश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में बेहद खराब गुणवत्ता मिलने के बाद कठोर कार्रवाई के निर्देश विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त से इसे लेकर बात की और उन्हें फटकार लगाते हुए भी जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए कहा है। साथ ही निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। एनटीपीसी के प्लांट के विस्थापितों को जहां उन्हें बसाया गया है उनका आवास देखने के लिए पहुंचे तो गुणवत्ता खराब मिली, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। निर्माण कार्य को जल्द ठीक करने के आदेश भी दिए गए। देखिए जरा एक एक चीज को वो खुद बारीकी से देखते हुए नजर आए और जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं। ये घर अगर तुमको दे क्या है? फिर ये घर अगर तुमको दे दिया जाए कहीं रहोगे? तुमको भाई साहब इस छत में पानी भी आ गई थी, अभी बारिश हुई थी। क्या है? फिर ये घर अगर तुमको दे दिया जाए कहीं रहोगे? एनटीपीसी प्लांट में गरीब बंजारों के मकानों का अवलोकन करने पहुंचे रामेश्वर शर्मा, तो देखिए वो क्या अधिकारियों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसे घर में तुम्हें रहने के लिए कह दिया जाए तो क्या रहोगे। साफ जाहिर है कि किस तरीके की गुणवत्ता वहां पर इन मकानों को लेकर होगी, जिसे ठीक करने के लिए जल्द से जल्द उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं।